नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस जिला कार्यवाहक अध्यक्ष आसिफ जकी ने प्रदेशवासियों को होली, रंग पंचमी और शबे बारात की शुभकामनाएं दी है। साथ ही कोविड 19 की गाइडलाइन के साथ त्योहार मनाने की अपील भी की है और त्योहारों के दिन लगाए गए लॉकडाउन के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि क्या कोरोना शनिवार, रविवार और सोमवार को आएगा, क्या बाकी दिन नहीं आएगा। त्योहार मनाने को तो कहा गया मगर घरों से निकलने पर पाबंदी भी लगाई गई है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि आपके द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनः विचार करें। कार्यवाहक अध्यक्ष भोपाल शहर जिला कांग्रेस कमेटी, सभी शहरवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को होली, रंग पंचमी, शबे बारात की मुबारकबाद देता हूँ और मुझे विश्वास है कि आप लोग इन त्योहारों को कोविड 19 के लिए बनाए गए नियमों का पालन कर अपने त्योहारों को मनाएंगे। लेकिन त्यौहार कैसे मनेगा ये प्रशासन एवं शासन ने बाधा डाल दी है। प्रशासन एवं शासन का कहना है कि आप अपने त्यौहार घर पे मनाएं, होली का जुलूस नहीं निकलेगा, होली खेली नहीं जाएगी, होली खेली जाएगी तो हमसे परमिशन ली जाएगी। एक और आप कहते हैं कि हम परमिशन देंगे और दूसरी ओर आप अपने आदेश में कहते हैं कि सड़क पे हमारे निकलने का प्रतिबंध लगा रखा है। तो कानून सबके लिए एक समान बनाना चाहिए। किसी भी समाज के धार्मिक कार्यक्रमों पर इस प्रकार का कुठाराघात करना उचित नहीं है। इससे शहर में, देश में वो पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बना हुआ है। लोग मजबूर हो गए हैं कि हम उनका अपना त्यौहार नहीं मना पा रहे। संडे को, मंडे को और सोमवार को ही कोरोना आएगा, बाकी दिनों में कोरोना छुट्टी पर रहेगा। आपके आदेशों से जिलाधीश महोदय ऐसा प्रतीत होता है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करें और जनहित में सभी समाज के धार्मिक कार्यक्रम करने की अनुमति प्रदान करें। मैं आपके द्वारा लगाए गए इस बंधन पर, जो कि न्यायोचित नहीं है, मैं जानता हूं कि कोविड 19 बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन उसके तरीके, तो तरीके अपनाकर ही देश के अंदर हम जो जी सकते हैं। हम कोविड 19 से डर कर घर में 3 रोज बंद हो जाएं और 4 दिन धंधा करें, ये संभव नहीं है। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।